रामपुर के व्यापारियों में दो फाड़ होने के साथ ही नव पंजीकृत व्यापार मंडल ने पत्रकार वार्ता की। वार्ता में व्यापारियों ने कहा कि उनके साथ 700 व्यापारियों की लिखित सहमति थी, उसके बाद ही रामपुर बुशहर सर्वहितकारी व्यापार मंडल का गठन किया गया, जिसमें हर वर्ग के व्यापारियों को ध्यान में रखा गया है। उन्होंने बताया, व्यापारियों एवं उपभोक्ताओं के हितों का ध्यान रखते हुए 21 सूत्रीय योजना पर काम किया जाएगा। उन्होंने दशकों से चले व्यापार मंडल को आड़े हाथों लेते हुए कहा, ये व्यापार मंडल केवल दिखावा के लिए ही था। उन्होंने दावा किया कि जो व्यापार मंडल पूर्व में चल रहा था वो ना तो पंजीकृत था ना ही वर्तमान में अस्तित्व में। उन्होंने कहा कि व्यापार मंडल का उद्देश्य हर वर्ग के व्यापारी की समस्या और उनकी सुरक्षा का ध्यान रखना है। उन्होंने बताया कि रामपुर बुशहर के 700 व्यापारियों ने व्यापार मंडल के गठन के लिए हस्ताक्षर कर सहमति जताई थी, उसके बाद व्यापार मंडल का विधिवत पंजीकरण किया गया। उन्होंने कहा, नई टीम जो बनाई गई है वह हर वर्ग के व्यापारी, चाहे फुटपाथ पर ठेले वाला हो या बड़ा व्यापारी, सबकी समस्याओं को लेकर चलेंगे। उन्होंने बताया कि नए व्यापार मंडल ने 21 सूत्रीय योजना बनाई है, जिसके आधार पर भविष्य में काम किया जाएगा। उनका लक्ष्य होगा कि व्यापारियों की समस्या को ध्यान में रखा जाए और उनके परिवार को उनकी सुरक्षा सुनिश्चित हो। इसके अलावा उपभोक्ताओं की क्या समस्या है ये भी ध्यान में रखा जाएगा। उन्होंने बताया कि रामपुर में पार्किंग, शौचालय व शहर के सौंदर्यकरण की अति आवश्यकता है, जिस पर व्यापार मंडल नगर परिषद के साथ समन्वय बनाकर आगे काम करेगा। उन्होंने बताया कि पुराना व्यापार मंडल निष्क्रिय था, उसमें हर वर्ग के व्यापारियों को स्थान नहीं दिया जा रहा था और न ही वह संवैधानिक तौर से बना व्यापार मंडल था, जिस पर व्यापार मंडल की बात की जा रही थी, वह प्रदेश स्तर पर अब निष्क्रिय हो गई है। इस दौरान सर्वहितकारी व्यापार मंडल के प्रधान तन्मय शर्मा, उप प्रधान मुकेश शर्मा, महासचिव करण सिंह ठाकुर, संयुक्त सचिव रोहित घाकटा, गिरीश गौतम, रजत सिंह ठाकुर, विकास निशांत, चंद्र गौतम व वरुण शर्मा आदि उपस्थित थे। सर्वहितकारी व्यापार मंडल रामपुर के अध्यक्ष तन्वय शर्मा ने बताया कि उनका उद्देश्य है कि व्यापारियों के मान सम्मान के साथ उनके हितों की रक्षा करना, इसके साथ साथ उपभोक्ताओं को यथासंभव सुविधाएं उपलब्ध करवाना, शहर में शौचालय व पार्किंग की व्यवस्था करना, शहर के सौंदर्यकरण पर भी काम करना। रामपुर शहर सर्वहितकारी व्यापार मंडल, हमारा जो उद्देश्य है व्यापारियों के मान सम्मान हितों की रक्षा करना, जो हमारे कस्टमर हैं उनको उनके लिए सुविधा प्रदान करना। यहाँ पे वो किसी रूप में हो सकती है, आपके लेबर रेट हो सकते हैं शहर के जो आज तक तय नहीं हुए कभी, आपका क्या बोलते हैं शौचालय की प्रॉब्लम, शहर का सौंदर्यकरण, पार्किंग हो, कई सारी प्रॉब्लम्स हैं। इस प्रॉब्लम के लिए हमारा जो व्यापार मंडल पहले जो था यहाँ पे, वो ना कोई वो एक्सटेंशन कर रहे थे किसी चीज़ की, ना उन्होंने कभी इलेक्शन कराए 25 सालों से, तो तभी हमारे को सर इस चीज़ का गठन करना पड़ा। और सब व्यापारी